सो गाइस आज के साथ वीडियो के अंदर आप लोग बात करने वाले हो चुल भाई के कुछ रेडबुल एक्सेसरीज के बारे में। सो गाइस अगर आप सभी लोग चुल भाई के स्ट्रीम्स देखते हो तो भाई आपने वहां पर उनके पीछे एक रेडबुल का फ्रिज देखा होगा। उसके अंदर भाई हमेशा भाई दुआ कर रेडबुल भरी रहती है, मतलब ऐसे लगता है भाई चुल भाई के पास तो अनलिमिटेड रेडबुल पड़ी हुई है। एक इंपॉर्टेंट चीज रह गई पे, रेडबुल लेकर आते भाई पीछे आपको। फुल बूस्ट मोड में रहेंगे ना भाई, तभी तो जीतेंगे ऐसे थोड़ी। ओ भाई अचानक से इतने सारे लोग। वैसे गाइस ये वाला जो फ्रिज है काफी ज्यादा यूनिक और गाइस ये आपको कहीं पर नहीं मिलने वाला, मतलब ऑनलाइन सर्च करो आपको कहीं पर ये वाला फ्रिज नहीं मिलेगा। ये सिर्फ रेडबुल के पास होता है और भाई रेडबुल जो अपने मतलब जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनको रेडबुल ने हायर किया होता है तो भाई उन्हीं को गाइस ये जो है उन्हें सेंड करता है एज ए गिफ्ट, ऐसा मुझे लगता है। बाकी भाई मुझे पता नहीं है कि बावजूद भाई इसको खुद ने खरीदे कहाँ से खरीदे भाई, ऐसा मुझे कोई अंदाजा नहीं। वैसे तो मुझे लग रहा है यार रेडबुल वालों ने भेजा, पर भाई इतनी सारे रेडबुल देकर भाई बंदों के दिमाग में पता नहीं क्या क्या आते रहते हैं। भाई इसलिए एक बंदे ने भाई कल परसों क्या मतलब एक दो हफ्ते पहले जब मुझे भाई स्ट्रीम कर रहे थे तो वहां पर एक बंदे लिखा भाई रेडबुल भंडारा चला रहे हो क्या। यू कैन स्पैम कर रहे हो रेडबुल भंडारा। वैसे जो आप सोचते हो ना भाई जो रेडबुल का जो फ्रिज है हमेशा भरा ही क्यों रहता है, तो देखो भाई जो है ना उज्जवल भाई ने फोटो खींच रखी है अपने ही रूम की, मतलब उन्होंने बैकग्राउंड में जब वो स्ट्रीम करते थे उन्होंने ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है ताकि वो जो अपना बैकग्राउंड जो वो गेम खेल रहे हो तो वो रिमूव कर सके, और जब वो बात कर रहे हो तो भाई उन्होंने जो अपने रूम का एक फोटो खींच लो और उसे गाइस एज ए बैकग्राउंड में वॉलपेपर के तरह लगा लेते। तभी गाइस आप सभी लोगों को नोटिस कराओगे भाई उज्जवल भाई के बैकग्राउंड में तभी यार एक सेम फोटो रहती है। तभी गाइस आप सभी लोग नोटिस कराओगे भाई जो चीज जहां पर है वहीं पर रहती है, और गाइस वैसे दिख भी जाता है उज्जवल भाई के जो बाल है वहां पर ग्रीन कलर का थोड़ा सा ऐसे रिफ्लेक्शन से रहता है। वैसे गाइस आपसे को पता है भाई मैंने कहीं पर पढ़ा था कि भाई जो रेडबुल का जो कैन है तो वैसे तो भाई ये 100 रुपए से महंगा आता है पर भाई इसको जो बनाने की कॉस्ट होती है वो गाइस 8-10 रुपए से भी कम होती है। मतलब भाई जो 10 रुपए वाली फ्रूटी आती है ना भाई उससे भी सस्ता होता है, पर भाई इसको इतना महंगा इसलिए बेचते हैं क्योंकि भाई इसकी जो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि भाई ये काफी महंगे महंगे एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं और साथ में कुछ ज्यादा ही महंगे बंदों को हायर कर रखा है उन्होंने, जैसे कि अपने उज्जवल भाई को हायर कर रखा है।